नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा था और इसमें हमने कई टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज हम कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि चुनाव पर आधारित, जनसंख्या पर आधारित। मैंने जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है चुनाव पर आधारित, तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। और इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए, तो हमें दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी है और हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए दो उम्मीदवार, एक ए है और एक बी है। एक उम्मीदवार है, उसे कितने वोट मिले, 60%, और बी उम्मीदवार है, उसे कितने मिले, 40%। अब ये 40% किस तरीके से आया, क्योंकि कोई भी वैल्यू होती है वो 100% होती है। परसेंटेज में हमने यही पढ़ा है, अगर 60% इसे मिले हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, 40%। तो यहाँ से ये 40% आया है। अब बोला क्या गया क्वेश्चन में कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट अधिक मिले हैं हारने वाले से, 1600 वोट। यानी कि अगर हम यहाँ से अंतर निकालें इनका, यानी कि 20% हो गया, और उसको कितने अधिक मिले, बी से ए को 20%, यानी 20% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1600। और जब यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे हम, कितनी आ जाएगी, 1600/20, और इसे जब काट रहे होंगे यानी कि 80 बार ये कट जाएगा। और यहाँ से अगर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8000। अब बोला क्या गया क्वेश्चन में कि चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी हो गई, 8000। अगर दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, यानी कि 40%। अगर हम 1% की वैल्यू कितनी है, 80, अगर हम 40% की वैल्यू निकाल दें, यानी कि 40% की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8 × 32, यानी कि 3200। यानी कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, 3200। अब इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो हमारा बेसिक है, जिस तरीके से हम और क्वेश्चंस को करते हैं, कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे कितने वोट मिले, 60%। और 60% को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3/5, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो हमें क्या करना होता है, 100 से भाग करना होता है, 0, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, यानी कि कितना आ जाएगा, 3/5। अब बोला क्या गया कि ए उम्मीदवार है, यानी कि टोटल जो हमारी मतों की संख्या है वो कितनी है, 5 यूनिट, और जीतने वाले को कितने मिले हैं, यानी कि एक ए उम्मीदवार है और एक बी। अगर जीतने वाले को 3 मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 2। क्यों मिले होंगे, क्योंकि टोटल ऑफ यूनिट हमारी जो वोटों की है वो कितनी है, 5। अब यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1600 क्यों दे रखी है, क्योंकि उसने बोला है कि जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले से कितने अधिक मिले, 1600। तो यहाँ से हम 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे और 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और टोटल करके इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि हमने एक और क्वेश्चन लिया इसी टाइप का कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध वोटों के, देखिए क्वेश्चन में कि वैध वोटों के 55% मिले हैं, 15% वोट वैध नहीं थे, यानी कि जो 15% वोट थे वो वैध नहीं थे। और क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया, अगर कुल वोटों की संख्या जो कितनी दे रखी है हमें, 15200 है, तो दूसरे उम्मीदवार को, यानी कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट, कितने वोट मिले, तो हमें वो कैलकुलेट करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, देखिए कि मान लीजिए कि टोटल जो वोटों की संख्या थी वो कितनी थी, 100%। अगर उसमें से 15% वोट अवैध थे, यानी कि वैध नहीं थे, तो वो कैसे होंगे, अवैध वोट जो होते हैं वो जो होते हैं, जो ना तो जीतने वाले उम्मीदवार को और ना हारने वाले उम्मीदवार की काउंटिंग की जाती है उनके लिए, तो वो होते हैं 15%। यानी क्वेश्चन में बोला गया कि अवैध वोट कितने, 15%, यानी कि वैध वोट कितने होंगे, यानी कि जीतने वाले और हारने वाले उम्मीदवार का जो डिसीजन लिया होगा वो कितने परसेंट वोटों ने लिया होगा, 85%, क्योंकि 15% ही है, 85% ही है, टोटल कितना हो गया, 100%। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अगर कुल वोट जो कितने दे रखे हैं, 15200, यानी क्वेश्चन में 15200 वोट दे रखे हैं, यानी कि कितने टोटल, 100% यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 15200। तो हम यहाँ से इस तरीके से जब इसे लिखेंगे तो 1% की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 100, 20 से 20, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास,
152। अब बोला क्या गया है, बैद बोर्ड, यानी कि हमें किस क्वांटिटी पे चेक करनी है वैल्यू, 85% पे। तो 85% की जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 × 2 = 10, 10 का 0 हासिल लगी 1, 5 × 25 = 26 हासिल कितनी हो गई 2, 5 × 5 = 2 = 7 और यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 × 2 = 16 हासिल लगी 1 और 8 × 5 = 40 और 1 = 41 हासिल और उसके बाद 8 × 8 = 4 = 12 यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, 12 हासिल लगी 1 यानी कि 9, 2 यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 85% की वैल्यू कितनी आ गई, 12,920। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें कि कुल वैध वोटों के जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे कितने मिले, 55% वोट। यानी कि यहाँ से कहें हम तो इन वोटों में से, यानी कि वैध वोटों में से, ये तो थे अवैध और ये थे वैध, तो इनमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, 55%। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले होंगे, 45%, क्योंकि ये भी जो वैल्यू है अभी अपने आप में 100% हो गई, क्योंकि इसके लिए हमने कितनी वैल्यू निकाली है, 12,920। अगर हम यहाँ से 45% की वैल्यू निकाल दें, यानी कि 12,920 को अगर हम 45% की वैल्यू निकाल दें, तो हमारे पास जो हारने वाला उम्मीदवार है उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे काट लीजिए 5 से 20 बार, उससे 5 से 9 बार, 0 से 0 और 2 से इसे काटेंगे तो 3 × 6 = 12 और 2 से 4 और ये 6, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 640 और इसका 9 में इंटू कर दीजिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9 × 54 4, 5 हासिल लगेगा और 36 और 5 कितना हो जाएगा, ये 41, फिर से 4 हासिल और ये कितनी हो जाएगी, 54 और 4 = 58। यानी कि जो हमारे उम्मीदवार हैं हारने वाले उसे कितनी वोट मिली है, 5814। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट की बात करें, ये तो था बेसिक और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, अब इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि 15,200 है उसका आप डायरेक्ट 85% निकालें और उसके बाद इसका डायरेक्ट 45% निकालें। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही होगी, 5814। आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि हमने नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लिया है, जनसंख्या पर आधारित एक टाइप है कि किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 16 से 2/3% की दर से बढ़ती है, यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 43,200 है, तो 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि कितनी वर्ष प्रतिवर्ष की दर से, 16 से 2/3% की दर से, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/6, क्योंकि ये होगा 48 + 2 यानी 50/3 और जब इसे हम परसेंटेज को हटाते हैं तो 100, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यानी कि 2 कितनी आ जाएगी, 1/6। अब क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर जो प्रतिवर्ष दर है वो कितनी है, 16 से 2/3, यानी कि अगर हम कहें जो वर्तमान जनसंख्या है नगर की वो कितनी है, 6 यूनिट, क्योंकि जो हमारी मूल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, नीचे वाली वैल्यू, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और परसेंटेज ऑफ रिजल्ट कितना है, 1, यानी कि प्रतिवर्ष 1 की दर से बढ़ रही है 6 जो वैल्यू है, यानी कि पहले कितनी थी, 6, प्रतिवर्ष का मतलब हो गया कि 1 वर्ष बाद कितनी हो गई, 7। अगर दूसरी भी केस में हम बात करें, यानी कि फिर जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे लिए, 6 हो जाएगी, क्योंकि दर कितनी है, सेम है हमारे लिए। अगर यहाँ दर डिफरेंट होती तो अगले वर्ष हमें फिर से डिफरेंट सॉल्व करना होता, लेकिन इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, यानी फिर भी 6 थी दूसरी वर्ष में, यानी कि कह सकते हैं हम यहाँ से फर्स्ट ईयर और यहाँ से सेकेंड और यहाँ से ये कितना है, 3rd ईयर, यानी कि वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ से, 6 से 7 और इसमें भी कितनी हो जाएगी, 6 से 7। इस तरीके से जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि जो हमारी मूल वैल्यू, यानी कि तीनों वर्ष की जो बेस वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 216, क्योंकि ये 6 का क्यू होता है और 7 का क्यू कितना हो जाएगा, 343। अब क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि क्या बोला गया है, किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष इतनी दर से बढ़ती है, नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 43,200, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, यानी कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है हमारे लिए, कितनी यूनिट दे रखी है, 216, और वर्तमान जनसंख्या है कितनी,
43,200, जब हम यहाँ से इतने यूनिट की वैल्यू निकालेंगे यानी कि 216 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 43,200। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम तो 43,200 अपॉन की कितनी आ जाएगी, 216। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये समथिंग दो बार कट जाएगा इससे, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 200, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 200। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या क्या हो गई, 3 वर्ष के बाद यानी कितनी वैल्यू हमने निकाली थी, 243, यानी कि हम कहें 343 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो हमें वर्तमान वैल्यू यानी कि 3 वर्ष के बाद बढ़ी हुई वैल्यू निकल आएगी, तो कितनी आ जाएगी वो 343 × 200। तो देखिए 3 × 6 = 4, 4 × 8 = 6, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 68,600। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसे इस तरीके से और कर सकते हैं। अगर आपको एक लाइन में क्वेश्चन को ख़त्म करना है तो मैं इधर बता देता हूँ, मान लीजिए एक्स मान के यहाँ बेसिक कह सकते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए किसी नगर की अभी जो वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी दे रखी है हमें, उसे मान लीजिए कितनी है 43,200। तो आप इस परसेंटेज को क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, यानी कि 16/2/3% को किस तरीके से हम लिखते हैं, अगर भिन्न में नहीं तोड़ना है हमें, सिर्फ ये डायरेक्ट लिखना है, किस तरीके से 50/3। अब ये इतने वर्ष की दर से बढ़ रही है, यानी कि कोई भी वैल्यू होती है पहले वो कितनी होती है 100% होती है, तो 100% अगर हम इसमें ऐड करें तो कितनी हो जाएगी 350/3, क्योंकि यहाँ से एक होगा और एलसीएम लेकर कितनी आ जाएगी 350/3। अब इसमें प्रति वर्ष इतने की वृद्धि हो रही है, और वृद्धि कितने तक हो रही है 3 वर्ष तक। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे यानी कि 350/3 परसेंटेज है, तो परसेंटेज हटाएंगे यानी कि 1/100, और आगे देखिए कि 350/300, फिर से 350/100। आप इसे एक लाइन में इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट वैल्यू जो हमने क्वेश्चन में सॉल्व की थी वो वाली वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। ये क्या हुआ कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमने नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लिया है कि एक गांव की जनसंख्या 15,000 है, जिसमें पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का जो अनुपात है वो कितना है 3:2, तथा पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या में प्रति वर्ष 11/1/2, यानी कि पुरुष की और महिलाओं की में कितनी 16/2/3% से वृद्धि होती है, 1 वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, टोटल जनसंख्या हमें कितनी दे रखी है 15,000, और बोला क्या गया कि पुरुष और महिलाओं की जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, यानी कि हम कहें मेल और फीमेल कितना अनुपात दे रखा है हमें 3:2, और टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है 15,000, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इधर ही सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने कहा 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 15,000, तो यहाँ से एक यूनिट की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 15,000/5, 5 या 15, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी 3,000। अब बोला क्या गया क्वेश्चन में कि महिलाओं की और पुरुषों की अनुपात कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है, तो अगर हम पुरुषों की बात करें और गांव में पुरुष कितने हैं तो कितने हो जाएंगे 3 यूनिट की वैल्यू, और 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3×9, यानी कि कितनी आ गई 9,000, और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की कितनी जनसंख्या हो जाएगी 3×6, यानी कितनी हो गई हमारे पास वैल्यू 6,000, यानी कि महिलाओं की जो जनसंख्या है वो कितनी है 6,000 गाँव में, और जो पुरुषों की है वो कितनी है 9,000। अब क्वेश्चन में देखिए आगे क्या बोला गया कि पुरुषों तथा महिलाओं की जनसंख्या में प्रतिवर्ष क्रमशः 11/1/9% और 16/2/3% से मतलब वृद्धि होती है, तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या बताइए, तो हम इन दोनों में इसी रेट में वृद्धि करें तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी पहले हम पुरुष में वृद्धि कर देते हैं कितनी 11/1/9%, यानी कि मेल की बात कर रहे हैं 11/1/9%, इसको किस तरीके से हम लिखते हैं 1/9, यानी कि जो हमारी जो मूल वैल्यू है वो कितनी है 9, और वृद्धि करके परसेंटेज ऑफ वृद्धि कितनी हो गई 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 9,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1,000, और क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि वृद्धि होने के बाद कितनी जनसंख्या हो जाती है पुरुषों की, तो वृद्धि हो जाएगी यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी
10 यूनिट, और 10 यूनिट की जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10,000। यानी कि जो पुरुषों की जो संख्या आ गई हमारे पास, यानी कि जो मेलों की संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 10,000 वृद्धि होने के बाद। इसी तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें यानी कि इस महिलाओं की बात करें तो कितनी वृद्धि हो रही है, 16 सही, 2/3%। और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, 1/6, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, यानी कि 6 यूनिट यानी कि हमारी बेस वैल्यू कितनी, यानी कि जो मूल वैल्यू कितनी है, 6 यूनिट, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 6,000। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000। आप इसे यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे क्योंकि जो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1,000, और वहाँ भी कितनी है, 1,000। अब बोला क्या गया क्वेश्चन में कि वृद्धि होने के बाद, यानी कि वैल्यू कितनी थी हमारी, 6, और कितनी हो जाती है, 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी वैल्यू कितनी हो गई, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की जब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 7,000। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि 1 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि महिलाओं की में अलग वृद्धि हुई थी, पुरुषों की में अलग वृद्धि हुई थी, और वृद्धि करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, जो पुरुषों की आ गई कितनी आ गई, 10,000, और महिलाओं की कितनी आ गई, 7,000। यानी कि टोटल कितनी हो गई, मेल और फीमेल की बात करें तो 17,000। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया है उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है कि एक नगर की जनसंख्या 250,000 है, उसमें महिलाओं तथा पुरुषों का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2। यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 36% है तथा महिलाओं में साक्षरों की संख्या कितनी है, 15% है, तो उस नगर की कुल साक्षर लोगों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए जरा कि महिला और पुरुषों का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, यानी कि मेल और फीमेल का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3:2। और जो टोटल पर्सन दे रखे हैं यानी कि जनसंख्या कितनी दे रखी है, अगर हम टोटल की बात करते हैं तो 250,000। अब 3:2 में बांटा हुआ है, यानी कि टोटल महिला और पुरुष ही होंगे गाँव में। अगर हम यहाँ से कहें तो टोटल कितनी हो गई है, 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 250,000। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं हम, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 50,000। अब क्वेश्चन में बोला गया कि महिला और पुरुष कितने, 3:2 के अनुपात में, तो यहां से हम 3:2 निकाल लेंगे तो हमारी पुरुषों की संख्या आ जाएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं हम, 3 यूनिट की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 या 15, यानी कि 1,50,000। अगर हम महिलाओं की संख्या निकालें तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी उनकी, अब महिलाओं की कितनी संख्या आ जाएगी, 5×10, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,00,000। यानी कि महिलाओं की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 1,00,000। अब बोला क्या गया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 36% है, यानी कि जो पुरुष हैं उनमें जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं वो कितने हैं, 36%। यानी कि हम कहें 1,50,000 में जो पुरुष हैं वो कितने, 36%, जो साक्षर पुरुष हैं वो कितने, 36%। तो अगर हम यहाँ से 36% निकालें तो हमें साक्षर लोगों की संख्या पता चल जाएगी पुरुषों की। और इसी तरीके से अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 1,00,000। तो 1,00,000 में अगर हम कितना, 15%, यानी साक्षर लोगों की संख्या निकालें, यानी कि 15% की वैल्यू निकाल दें तो कितनी आ जाएगी, 20×20, यानी कि ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। और उसके बाद अगर हम पुरुषों की निकालें तो कितनी आ जाएगी, यानी कि ये मेल और ये कितने हुए, ये हुए फीमेल। यानी कि यहाँ से अगर इसे सॉल्व करें तो 20×20, और ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 50×90, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसे, यानी कि 0×20 पहले लगा लेते हैं ये वाली, और उसके बाद 50×90, और 15×45 और 9 कितने हो जाएंगे, 54। यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 54,000, और यहाँ कितनी आ गई वैल्यू, 15,000। तो अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो हमें टोटल जो साक्षर लोग हैं गांव में वो पता चल जाएगा। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इन्हें ऐड कर दीजिए और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर कितनी आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, यानी कि 69,000 जो लोग हैं वो गाँव में टोटल जैसे कि हमने नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लिया है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हों
और लड़कियों की संख्या जो है वो कितनी दे रखी है, 972, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, यानी कि हमें लड़कियों की संख्या दे रखी है और परसेंटेज में क्या दे रखे हैं, लड़के। तो अगर हम इसे सॉल्यूशन करें इसका, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मान लीजिए ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, तो हमें किसका अनुपात दे रखा है उन्होंने, किसका परसेंटेज दे रखा है, लड़कों का कितना 60% और लड़कियों का कितना हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू होती है कितनी होती है 100%, अगर वो 60% है तो इनकी लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 40%, और लड़कियों की संख्या में कितनी दे रखी है 972, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि 40% की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 972, और 1% की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से इतनी आ जाएगी। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ से बोला क्या गया, उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, यानी कि लड़कों की संख्या, तो यहाँ से 60% की वैल्यू हम निकाल दें तो हमें बॉयज़ों की संख्या पता चल जाएगी, यानी कि 972 बटे में 40 और इंटू में 60। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 3 6, और 2 से जब इसे काटेंगे तो ये 9 है, 2 चौके 8 और कितना आ जाएगा, 2 9 18 और 2 छिंगी 12, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे, 3 छिंगी 18, वहाँ से लगी 1 और 3 9 27 28, 2 और 3 चौक 12, यानी कि कितनी आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, जो वैल्यू कितनी आ जाएगी वो आ जाएगी बॉयज़ों की संख्या 1488। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और हम तो जैसे कि हमने नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लिया है कि प्रत्येक प्रश्न के एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता ने पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर दिए, पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे ताकि उसके पूरी परीक्षा में 75% जो है अंक आ जाएँ। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले आप इसे अच्छे से पढ़ लें उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हम सॉल्व करते हैं कि कितने क्वेश्चन है उसमें, 80 क्वेश्चन है, और उनके उसने बोला है कि समान अंक वाले, यानी कि प्रत्येक अंक के लिए एक अंक है, यानी कि उसके नंबर भी कितने हो गए, 80 हो गए। या तो हम क्वेश्चन पर सॉल्व कर लें या हम उसके नंबर पर सॉल्व कर लें, बात एक ही है, तो हम क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में आगे देखिए क्या बोला गया है कि पहले 40 प्रश्नों के 65% उत्तर देने उसे, यानी उसने सही उत्तर दिए, तो पहले 40 का हम 65% निकाल लें, इससे हमें यह पता चल जाएगा कि उसने कितने क्वेश्चन पहले 40 में से सही उत्तर दिए हैं। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, और यहाँ से 13 पंजे 65, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 13 दूनी 26, यानी कि 26 क्वेश्चन के उसने पहले 40 में से सही उत्तर दिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया आगे कि पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही अंकों के सही क्वेश्चनों के उत्तर सही देने होंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, यानी कि अब क्वेश्चन कितने बचे हमारे पास, 40, और उसे पूरी परीक्षा में थे, यानी कि 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन में से 75% उसे सॉल्व करने हैं, यानी 75% के सही उत्तर देने हैं। तो जब इसे निकालेंगे हम 75%, तो 3/4, और इसे 4 से काटेंगे तो 20 बार, यानी कि 60। यानी कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पहले अर्पिता ने 80 क्वेश्चन का एक एग्जाम है उसमें 40 क्वेश्चनों में से 65% सही उत्तर दिए हैं, तो कितने हो गए, 26। अब बोला गया है कि अगर उसे पूरी परीक्षा में 75% अंक लाने हैं तो उसे लास्ट के जो 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनमें से कितने क्वेश्चनों के सही उत्तर देने होंगे। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, यानी कि शेष कितने होते हैं, 40, उसने कितने लेके आने हैं पूरे टोटल, 60 लेके कितनी आई है वो, 26। तो हम 60 में से जब हम 26 घटाएंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 34। यानी कि अब जो 40 क्वेश्चन है उसमें से उसे 34 क्वेश्चंस के सही आंसर देने होंगे, तब जाके उसके एग्जाम में 75% अंक आ रहे होंगे। तो अब परसेंटेज पूछा गया, अगर अंक पूछता तो हमारे यही क्वेश्चन का आंसर हो जाता, लेकिन पूछा क्या गया, कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत किससे निकालेंगे हम कि 34 लेके आने 40 में से, तो परसेंटेज निकाल दीजिए, सॉल्व करेंगे तो 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, और ये 17 दूनी 34, और ये कितना हो जाएगा, 17 पंजे 85% उसे जो लास्ट के 40 क्वेश्चन है उसमें से सही आंसर देना होगा, तब जाके उसके टोटल जो एग्जाम है उसमें से कितने 75% अंक आ रहेंगे। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, देखिए।
तो जैसे कि हमने एक और क्वेश्चन लिया है कि 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलते हैं, तो कुल स्वीट्स की संख्या बतानी है कि कितनी स्वीट्स थी। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि छात्र जीवन की स्टूडेंट है वो कितने हमारे पास 65 और शिक्षक यानी कि टीचर कितने हमारे 4। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है ध्यान से पढ़ें कि प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% यानी कि छात्र कितने 65 और 20% स्वीट्स मिलते हैं, यानी कि प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% और शिक्षकों को छात्रों की कुल संख्या का 40% यानी कि शिक्षकों की बात आई है यानी कितने 4। अब बोला गया क्वेश्चन में कि छात्रों की संख्या का यानी कि छात्रों की संख्या कितनी है 65 और कितनी स्वीट्स मिली उन्हें 40%। अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि छात्रों की संख्या हमारे पास कितनी है 65 और टीचरों की संख्या कितनी है 4। अब बोला गया क्वेश्चन में कि जो छात्र हैं उनको छात्रों की संख्या का यानी कि जितने छात्र हैं उनको खुद की संख्या का 20% स्वीट्स मिले और जो टीचर हैं उनको छात्रों की संख्या का 40% स्वीट मिले। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बोला गया कि तो कुल कितने स्वीट्स थे यानी कि टोटल स्वीट्सों की संख्या पूछी गई हमसे, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा यानी कि 20 से ऐसे काटेंगे तो 5 बार और यहाँ से कितनी आ जाएगी यानी कि वैल्यू आ गई 13 और इसमें क्या 2/5 और यहाँ से करेंगे तो 13 यानी कि 26। यानी कि अब क्वेश्चन में देखिए कि प्रत्येक छात्र को यानी कि एक छात्र को कितनी स्वीट्स मिली 1 और एक टीचर को कितनी स्वीट मिली 26। अगर हमें क्वेश्चन में टोटल स्वीट्स बतानी है तो हमें 65 छात्र यानी कि एक को कितनी मिली 13। अगर हम कहें कि टोटल तो 65 का 13 यानी कि 65 टोटल छात्र और एक को कितनी मिल रही है 13। अगर हम टोटल निकालें तो हमें टोटल छात्रों को पता चल जाएगा कितनी स्वीट्स मिली। इसी तरीके से अगर हम 26 हैं, अगर हम 4 टीचरों की निकालें यानी कि एक को कितनी मिल रही है 26, अगर 4 की निकालें तो हमें टोटल का पता चल जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लीजिए 13 × 65 5 6 और 13 × 7 78 यानी कि कितना हो जाएगा 78 × 6 84 यानी कितनी वैल्यू होगी हमारे पास 845। जो स्टूडेंट है उनको कितनी स्वीट्स मिली 845 और टीचरों की बात करें तो 4 × 6 = 24 और 2 × 8 = 104 यानी कि 104 यानी कि जो टीचर है उन्हें कितनी स्वीट्स मिली 104। अगर हमें टोटल स्वीट्स बताने तो कितनी हो जाएंगी, कितनी स्वीट्स हो जाएंगी हमारे पास 845 और 104। 845 और 104 जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 × 4 यानी कि 949 हमारे पास जो स्वीट्सों की संख्या है वो टोटल आ जाएगी। तो क्वेश्चन देखा आपने कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, बस आपको अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कुछ नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। तो हमने एक और क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राहुल ने अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% घर के किराए पर तथा 10% परिवहन पर खर्च करता है और 7500 रुपये बचाता है, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। यानी कि राहुल की हमसे क्या पूछा कि आय ज्ञात कीजिए। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, राहुल की कुल आय ज्ञात करनी है हमें। यानी कि मान लेते हैं राहुल की आय 100% है, यानी कि हम कहें आय, ये राहुल की आय 100% मान लीजिए आप। अब जो उसने खर्च किया उसको ऐड कर लीजिए आप कि टोटल उसने कितना खर्च किया है और हम बचत में से घटा देंगे तो हमारे पास उसका जो 7500 रुपये वो आ जाएंगे यानी कि वैल्यू आ जाएगी उसकी। तो क्वेश्चन को देखिए कि राहुल ने भोजन पर कितने, यानी कि भोजन की बात करें हम, भोजन पर कितने 30% और घर पर कितने 20% और लास्ट में क्या 10% परिवहन पर। अब इतने राहुल ने 30% भोजन पर, 20% घर पर और 10% परिवहन पर, यानी कि उसका जो टोटल खर्च हो गया कितना हो जाएगा वो जब इसे ऐड करेंगे यानी कि 60%। और राहुल ने बचाए कितने होंगे, अगर हम आय में से खर्च को घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाता है बचत। अगर हम इसे घटा दें तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 40% और 40% उसने बोला गया क्वेश्चन में कि वह बचा था कितने 7500 रुपये, यानी कि बचत उसकी कितनी, यानी कि 40% की हम वैल्यू कह सकते हैं कितनी है 7500 रुपये। तो 1% की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी 7500/40। अगर यहाँ से हमें क्या टोटल आय पूछी गई है राहुल की, तो आय कितनी है 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल दें हम
इनकी 7500 बटे 40 इंटू में 100, तो जब इसे काट रहे होंगे 0 से 0 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 से इसे काट लीजिए, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 7 दूनी 14 और यहाँ फिर से 1 बचेगा, 5 और 0, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 3750। और 3750 की इंटू कितना होगा हमें किससे, 5 से, और ये हमारे पास ये टोटल आय आ जाएगी राहुल की 0 5 25, 2 हासिल, 5 7 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, यानी कि 3 हासिल हो जाएगी, और 5 3 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, यानी कि राहुल की जो आय होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 18750। तो देखा आपने किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, धन्यवाद।